ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਗ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਕੋਲ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਹੱਥੋਂ ਘੱਟ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਲੋਕ ਹੁਣ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ? ਵਿਕਰਮ ਕੁਮਾਰ ਨਾਮ ਹੈ। ਵਿਕਰਮ ਕੁਮਾਰ ਕਹਾਂ ਕੇ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਕੇ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਹੂੰ। आप बिहार के रहने वाले हो? हाँ। कितनी देर से पंजाब में काम कर रहे हो? मैं साल भर से। अपने परिवार के साथ आए हो यहाँ पे? हाँ, परिवार के साथ हूँ। ये क्या काम करते हो यहाँ? वो सब्जी के काम करता हूँ। कौन कौन सी सब्जी उगाते हो? हर सब्जी उगाता हूँ। कौन कौन सी? फिर भी वो करेला हो गया, लौका हो गया, तोरी हो गया, भिंडी हो गया, धनिया हो गया, टमाटर हो गया, सारा फसल उगता है। अच्छा, कितनी देर में ये सब्जियाँ हो जाती हैं? हम वो डेढ़ महीना में हो जाती है। ये आपके पीछे लौकी लगी हुई है। हाँ। ये कितने दिनों में तैयार हो जाएगी? देखो तो जरा पीछे। हाँ, ये दो दिन में तैयार हो जाएगी। दो दिन में तैयार हो जाएगी। हाँ। ये लौकी की फसल को तैयार होने में कितना समय लगता है? वो डेढ़ महीना लगते हैं। ढाट पेड़ के नीचे लगाना है तो एक महीना लगेगा। अच्छा, तो ये आप इस तरह से बांस पे लगाते हो? देखियो जी, दो दोस्तों सारे बांस होते थे नाल ताना बन के बचलाउंदे ने। ये बांस क्यों लगाते हो इस तरह से? ओ, फसल बढ़िया होए। अच्छा, ये जो लौकी की सब्जी आजकल कितने की बिक रही है आपकी? 8 रुपए किलो। बाजार में कितने भाव से बिकती है जाकर ये? बाजार में 8 रुपए किलो मेरी बिकती है। हाँ। जत मंडी ले जाता है, 30-40 बिकता है। अच्छा, हम लोग के तो बड़ा मंडी जाता है। आपका परिवार कितने पैसे कमा लेता है इसमें से? इसमें कोई साल फायदा भी हो जाता है, कोई साल घाटा भी हो जाता है। फायदा भी होता है, घाटा भी होता है। फिर घाटा किस तरह से सहन करते हो? वो तो करना ही पड़ता है, जैसे सब्जी का खेती करता हूँ। अच्छा, ये बताओ कि आप कितना पढ़े हो? मैं 7वीं तक के पढ़े हूँ। आगे क्यों नहीं पढ़ रहे? वो मैं पढ़ता था, भूल जाता था, ये एक बीमारी है। अच्छा, पढ़ने के बाद भूल? ये लोगों से पैसे लेने नहीं भूलते? वो भी वो हमको उतना ध्यान नहीं रहता है। अच्छा, बड़े होकर आगे क्या काम करना चाहोगे? वो सब्जी के काम करूंगा।